हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी में किस तरीके से सोना चाहिए एंड किस तरीके से आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको नींद की बहुत ज्यादा समस्या होगी, और ऐसा होना ट्विन प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें। अब हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो आपको पीठ के बल एंड आपको पेट के बल सोना बिल्कुल अवॉइड करना है। आप गलती से भी सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि पीठ के बल सोने से आपकी महाधमनियां और अवर वेना कावा पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। अब मैं आपको महाधमनी और अवर वेना कावा का मतलब समझा देती हूँ। महाधमनी जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी एंड मुख्य धमनी होती है, जो कि आपके हृदय के बाएं नीलम यानी कि वेंट्रिकल से आरंभ होती है। एंड अवर वेना कावा जो है वो आपकी सबसे बड़ी नस होती है, और ये जो नस होती है वो निचले और मध्य शरीर से ऑक्सीजन रहित ब्लड को हृदय के दाहिने आलिंद में ले जाती है। और इसके साथ ही अगर आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही आपका जो पेट होता है वो आपकी आंतों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, जिससे आपको पेट संबंधी समस्या भी हो सकती है। बढ़ते टाइम पर अगर आप पीठ के बल लेटना अवॉइड करती हैं तो इससे बच्चों में मृत जन्म की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और पीठ के बल सोने से आपके शरीर में प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके गर्भ में ब्लड का फ्लो भी कम हो सकता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, आपको हमेशा करवट लेकर ही लेटना है। वैसे आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बिल्कुल करवट लेकर लेट सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है वो होता है आपके लिए लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटना। लेफ्ट साइड लेटने पर यह परसंचरण यानी कि सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्वों से भरपूर ब्लड होता है वो आपके हृदय से नाल तक आपके बच्चे को पोषण प्रदान करने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। और लेफ्ट साइड लेटने पर जो आपका बढ़ता हुआ वजन होता है वो आपके लीवर पर दबाव डालने से बच जाता है। मुझे पता है कि हर वक्त आप लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप थोड़ी बहुत देर बिल्कुल राइट साइड भी लेट सकते हैं, बट कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड लेटने पर। एंड कभी कभी हो सकता है नाइट में आपकी जब भी आंख खुले तो आप अपने आप को पीठ के बल या फिर राइट साइड लेटा हुआ पाएं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वापस से रिटर्न होकर आप लेफ्ट साइड पर बिल्कुल लेट सकते हैं। आपके मन में कोई टॉपिक है जिसपे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।